नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत हुई जब आईएसआईएस के मास्टरमाइंड अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। जिस बगदादी से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, उसी बगदादी को कुत्ते की मौत मिली। अपनी आखिरी दिनों में बगदादी रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी माफी के लिए उसके गुनाह लाख गुना ज्यादा थे। एक टाइम था जब बगदादी का आतंक अपने चरम पर था, उसका नाम सुनकर भी लोग कांपते थे। उस वक्त भी उसे अपने ही गढ़ में चुनौती मिली थी और ये चुनौती दी थी कुर्द की महिला मर्दानियों ने। सब जानते हैं कि आईएसआई संगठन ने आतंक फैलाने के लिए महिलाओं का सहारा लिया, उनका शोषण किया, लेकिन दूसरी तरफ कुर्द की इन मर्दानियों ने आईएसआईएस को अपना बोरिया बिस्तर उठाने को भी मजबूर कर दिया। 2014 से ही इन महिलाओं ने न सिर्फ आईएसआईएस आतंकियों को पीछे धकेले रखा, बल्कि उत्तरी सीरिया में टिग्रिस नदी के पास अपने गढ़ पर बगदादी की सत्ता कायम नहीं होने दी। बगदादी के आतंकियों ने जब सीरिया में कुर्द बहुल इलाकों की तरफ रुख किया तो बड़ी तादाद में महिला फाइटर्स पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट से जुड़ने लगी। ये पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की सैन्य शाखा है और इस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का मकसद है तुर्की, इराक और सीरिया के तुर्क बहुल इलाकों को मिलाकर अलग देश कुर्दिस्तान की स्थापना करना, जिसका ये सारे देश विरोधी करते हैं। सीरिया में जब बगदादी अपनी ताकत बढ़ाने लगा तो इसकी तपिश से कुर्द भी प्रभावित हुए। इस मुश्किल घड़ी में अपनी सरजमी की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सेना में शामिल हुई। महिलाओं की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीरियाई कुर्द बलों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं का है। एक अनुमान की माने तो कुर्द सेना में महिलाओं की संख्या 7 से 10 हजार के बीच है, जिसमें 18 से 25 साल की महिलाएं शामिल हैं। अगस्त 2014 में जब आईएसआईएस इराक के सिंजर में आगे बढ़ने लगा था, तब आईएस आतंकी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक यजीदियों को निशाना बनाकर मारने लगे थे। उस वक्त बगदादी के खिलाफ इन कुर्दिश मर्दानियों ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, हजारों यजीदी आबादी को इस कब्जे से मुक्त कराया। इस संघर्ष के बाद आईएसआईएस के खिलाफ इनकी जंग जारी है। साल 2017 में कुर्दिश महिला लड़ाकों ने एक ऐसी महिला को आईएसआईएस आतंकियों के चुंगल से आजाद कराया था जो 5 बार बेची खरीदी गई थी। आईएसआईएस यही करता था, यजीदियों के ठिकानों पर हमला करके मर्दों को गोली मार देता था और महिलाओं को गुलाम बना लेता था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में इस टीम ने आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों पर छापा मारकर 200 महिलाओं और बच्चों को आजाद कराया था। बगदादी के खिलाफ जंग में इन महिलाओं को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक तो इनके सामने आईएसआईएस जैसे खतरनाक दुश्मन था और दूसरा, अगर कभी कभार ये महिलाएं फाइटर्स बगदादी के गुर्गों के कब्जों में आ जाती तो उन्हें यौन हिंसा का शिकार होना पड़ जाता। आतंकियों के कब्जे में आई महिलाओं की जिंदगी नरक के समान हो जाती थी। कई बार तो इन्हें तब तक सेक्स स्लेव बने रहना पड़ता था जब तक इनकी मौत ना हो जाती थी। बता दें, आईएसआईएस की तरह कुर्द की ये मर्दानियां भी सुन्नी इस्लाम को मानती हैं, लेकिन इनके समाज और महिलाओं को लेकर आजाद ख्याल है और इन्हें उम्मीद है कि रणभूमि में मोर्चा संभालने के बाद इनका समाज इन्हें बराबरी में स्वीकार करेगा। वाकई इन मर्दानियों के जज्बे को सलाम है जिन्होंने बगदादी जैसे खूंखार आतंकी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।